हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे कि आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है कूलर टाइप का मोटर। ठीक है, ये कूलर टाइप मोटर बोला जाता है और ये मोटर लोग डायरेक्ट ऐसे ही लगा ले रहे हैं पंखे के सीलिंग पंखे के बदले। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिक्कत है सप्लाई देने से। ठीक है, देखिए मैं सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है और साथ ही बॉडी में करंट भी थोड़ा मोड़ा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी ठीक है नट बोल्ट को बाहर निकालना है। ठीक है, इसे भी बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद आप इसे भी बाहर निकाल दीजिए। चलिए मैं इधर निकालता हूँ और ये दोस्तों आपको देखने देखिए ये सब एल्युमिनियम वाइंडिंग होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो काफ़ी सस्ता में जरूर मिल जाता है लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होती क्योंकि ये इसकी वाइंडिंग जैसे देखिए आपको पहले यहाँ एक तार टूटा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तब आपको खोजना, जैसे यहाँ देखिए एक लेग तो दिख रहा है, यहाँ आपको जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे देखना है कि कॉमन वाला कौन है। ठीक है, तो यहाँ ये दो लेग गया हुआ है, यानी एक लेग यहाँ गया हुआ है, तो यहीं बस सिंगल इसी लेग को आपको जोड़ देना है। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, अब आपको स्लिप जरूर लगाना है। ठीक है, तो स्लिप पर लगा दीजिए क्योंकि दो वायर वाला जो कनेक्शन होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ गया है दोस्तों, तो आपको बस एक सिंगल वायर का कनेक्शन खोजना है। तो चलिए स्लीप को आप अंदर लगा लीजिए। हाँ, ठीक है, पॉलिश आपको हटा देना है। ठीक है, ठीक है, पॉलिश हट गया, पॉलिश हटा देना है, इसको आपको अच्छे से कनेक्ट कर देना है। ये हो जाने के बाद आपको स्लीव ऊपर लगा देना है ताकि ये और कहीं कनेक्ट ना हो, ताकि बॉडी में आपका जो लाइन आ रहा था ये इसी कारण आ रहा था, ये नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर आपको अच्छे से इसको कुल ठीक है कि ऐसा आपको लगाना है और कोई भी दो ठीक है इसको टाइट करके नट बोल्ट को कोई भी दो नट बोल्ट को टाइट करके फिर से इसको चेक करना है। चलिए मैं इतना ही पे हल्का सा चेक कर लेता हूँ। ये कैपेसिटर का भी कनेक्शन सही होना चाहिए जो कि सही जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए पहले हमिंग साउंड नहीं आ रहा था, अब हमिंग साउंड आने लगा, इसका मतलब अब मैं इसको सही से टाइट कर दूंगा तो ये चलने लगेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं? ठीक है, ये चलना शुरू कर दिया है। ठीक है, आवाज़ कर रहा था, यहाँ यहाँ थोड़ा सा तेल डाल,
आपका आवाज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के जरूरी वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको बस क्या करना, जितना भी तार टूटा हुआ दिखे सबको जोड़ के कनेक्शन बाहर निकलना। मैक्सिमम क्या होता है, एल्युमिनियम जो होता है इसमें, तो एल्युमिनियम क्या होता है मोड़ पर अक्सर टूट जाता है, तो उसी कारण ऐसा दिक्कत आता है। अगर नहीं जलता है तो कहीं ना कहीं कॉइल कटता है, जल गया तो कोई बात ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी कन्फ्यूजन है सुझाव तो मुझे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।